पूर्णिया में बाइक सवार अपराधियों ने मनरेगा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र और चंपानगर के बॉर्डर स्थित चरैया रहिका पुल के पास की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम मनरेगा कर्मी प्रसादपुर निवासी संजीव कुमार साहब बाइक से अपने सहयोगी श्रीनगर निवासी राजीव कुमार यादव के साथ अमोर से घर चंपानगर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने चरैया रहिका पुल के पास बाइक रोक कर गोली मार दी। मौके पर ही संजीव कुमार साहब की मौत हो गई, जबकि सहयोगी राजीव कुमार यादव के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें GMCH में भर्ती कराया गया है। अमोर प्रखंड में संजीव कुमार साह मनरेगा में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। राजीव कुमार गुप्ता उनके सहयोगी है। वहीं घटना के संबंध में सदर DSP पुष्कर कुमार ने कहा कि गोली लगने से मनरेगा कर्मी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चारों तरफ नाकाबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज को भी खंगालने का काम किया जा रहा है। जल्द ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हम लोग ब्लॉक से आ रहे थे। कौन सा ब्लॉक? अमोर। अमोर से आ रहे थे तो कदगामा से चंपानगर वाला रूट में जो है ना, तो गाड़ी वाला ऐसे आते जाता रहता है। हम सोचे होगा कोई और अपाची, गाड़ी था, दो आदमी था, वही पीछे से गोली चला दी। वो कालीबाड़ी एक तो बस्ती है, वहीं पर बोकाधार का पुल है जस्ट उसके नीचे। अपराधी किस चीज़? अपाची गाड़ी थी। एक ही का हम आवाज सुनिए। आप लोग भी बाइक से जा रहे? हाँ, दोनों आदमी बाइक के साथ। चला कौन रहे? हम चला रहे थे। आप चला रहे थे, पीछे बैठे? हाँ, पीछे बैठे थे। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार यादव। और जो जिनका? संजीव कुमार। कहाँ गए? चंपानगर। चंपानगर जी। कितना बजे की घटना? 6:30 बजे के आसपास। 6:30 7 लगभग। 6:30 7 के घर जा रहे थे जी। क्या करते हैं? हम ऑपरेटर हैं। वो क्या करते हैं? अकाउंटेंट हैं। कहाँ? मनरेगा ऑफिस में। मनरेगा ऑफिस कहाँ? अमोर। अमोर जी। अमोर से उधर से जी। क्या लग रहा है, गोली चलाने का कुछ कारण? ये तो नहीं बता पाएंगे। हमें ओपी क्षेत्र में ये मनरेगा में काम कर रहा था संजीव कुमार साह, ये अपने घर को लौट रहा था। मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति था, पीछे से किसी ने पीछा करके इसको गोली मार दिया और इसकी मृत्यु हो गई है। शव का अंत परीक्षण कराया है। अभी तक मैं यह बात प्रकाश में आई है किसी तरह की रंजिश की बात अभी आ रही है सब, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका उद्भेदन किया जा रहा है कि क्या कारण है और किससे रंजिश था। कुछ बातें आई है लेकिन अभी उसको। कहाँ पर घटना घटी है सर? ये घटना घटी है कलगामा से चंपानगर के बीच में। वहीं है कि चल गया? कहाँ का रहने वाला है ये? रहने वाला चंपानगर बाजार का। एक आदमी की मृत्यु हुई है सर? एक आदमी सर जो बाइक चला रहा था वो साथ में ही था, वो भी साथ में ही है। वो ठीक है सर? हाँ वो। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।